खबर की ओर, जहां कोटा के जेके लॉन अस्पताल में बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़कर तकरीबन 107 पहुंच चुका है। राज्य के डिप्टी सीएम सचिन पायलट शनिवार को कोटा अस्पताल पहुंचे। कोटा में बच्चों की मौत पर सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें जिम्मेदारी तय करनी होगी। सचिन पायलट ने कहा कि पहले क्या हुआ इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। वसुंधरा को जनता ने हरा दिया, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी है। बता दें कि राजस्थान के कोटा के जेके लॉन अस्पताल में बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब कोटा में बच्चों की मौत का आंकड़ा 107 पहुंच चुका है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। वह इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज कोटा में कई मृत बच्चों के परिवार से मिले। पायलट प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ पीसीसी के अध्यक्ष भी है। पायलट दिल्ली में थे तब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोटा में बच्चों की मौत को लेकर नाराजगी भी जताई थी। उसके बाद पायलट राजस्थान पहुंचे और जयपुर आने के बाद वो सीधे कोटा के लिए रवाना हुए। और सबसे बड़ी बात यहां पर भानु ये है देखने वाली कि जिस प्रकार से राजस्थान कांग्रेस का हर नेता बार बार पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि पिछली सरकार की लापरवाही की वजह से आज स्थितियां यहां तक पहुंची है, 100 से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। उसके उलट पीसीसी प्रदेश कांग्रेस राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का यह बयान आना कि पुरानी सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर बात करने की जरूरत नहीं है, जरूरत यह है कि हम क्या करते हैं। आज हम लोगों को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे बच्चे अगर मरे इतने कम समय में तो कोई ना कोई कारण रहे होंगे। कमियां प्रशासनिक है, संसाधन की कमी थी, डॉक्टर स्टाफ नर्सिंग इसकी कमी थी, लापरवाही थी, क्रिमिनल नेग्लिजेंस था, ये सब रिपोर्टें बन रही हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी। जिन लोगों को मैं उसी से आहत हूँ, आज मैंने जो सुना आज भी एक मौत हुई है और ये क्रम रुक नहीं रहा, इसलिए मैंने आज जो मौका मुआयना किया अस्पताल का, आईसीयू में गया, डॉक्टर से मुलाकात करी, मैंने उसे रिपोर्ट्स मांगी है, मैंने कहा पूछा कि भाई कहाँ कमी है, क्यों हो रहा है और इतना कुछ होने के बाद भी अगर मौतें लगातार हो रही हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये कहना नाकाफी है कि पहले कितना था आज कितना है, इसकी जवाबदेही हमें तय करनी पड़ेगी। और अभी चेहरा बदलते कभी को बदल दिया क्योंकि ये तो जांच रिपोर्ट मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर वसुंधरा जी की सरकार ने बेड कम सैंक्शन किए, पैसे ज्यादा अलॉट किए लेकिन रिलीज नहीं करे, तो उनको तो जनता ने हरा दिया है। एक साल से हम लोग शासन चला, सरकार चला रहे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जनता के प्रति जवाबदेही है। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो जिनकी मौतें हो रही हैं, ये सबसे गरीब, सबसे दबे कुचले पुस्तक के लोग हैं, इनके पास ना संसाधन है ना उम्मीद है। और ये जितना भी कुछ हो रहा है इससे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूँ, और ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि किसी की गलती थी या नहीं थी। इसलिए मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि इतने सारे मासूम बच्चों की अगर मौत हुई है, इसके लिए हमें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। वी हैव टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। इफ यू आर आस्किंग फॉर अकाउंटेबिलिटी, वी हैव टू बी अकाउंटेबल आवरसेल्व्स एंड समबडी हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिल्कुल उमंग, बहुत अच्छी बात कही सचिन पायलट ने कि क्या पिछली सरकार में हुआ या नहीं हुआ उस पर विचार अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वसुंधरा सरकार के वक्त वहां पैसा नहीं गया, बेड अलॉट नहीं हुए, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, जनता ने उन्हें नकार दिया था। जनता ने अब आपको स्वीकार किया है, एक साल हो चुका है, एक साल में आपने उन लोगों के लिए क्या किया क्या नहीं किया, अब इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल भानु, आपने सही कहा और माननीय उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी बिल्कुल वाजिब बात कही है कि पुरानी सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पुरानी सरकार ने अगर गलतियां करी है उसकी सजा उनको मिल चुकी है। पिछले एक साल से हम राजस्थान की सत्ता पे काबिज हैं, तो जिम्मेदारी हमारी बनती है।
कोटा के साथ साथ भानु आपको बता दें बूंदी में भी 10 बच्चों की मौतों का मामला सामने आया, और उसके साथ साथ अभी भी और भी राजस्थान प्रदेश भर में कई ऐसे गांव की हम बात नहीं करते, कई बड़े ऐसे शहर है जहां पर इसी तरह की लापरवाही का आलम पसरा हुआ है। लेकिन सरकार भले किसी की भी हो, भले बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। हमने इस पर चर्चा भी करी थी भानु, हमारे साथ में कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक और कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े थे। उनका कहना था बूंदी वाले मामले में कि हमारा बूंदी का कार्यकर्ता, बूंदी का नेता बार बार इन अस्पतालों में, इन डिस्पेंसरियों में जाता है, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेता है। हमने जब उनसे पूछा कि अगर वो बार बार वहां जाते हैं तो या तो वो आपसे झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, और अगर देखा है तो फिर ऐसी जब वजह वहां पर थी, कमियां वहां पर थी, तो क्यों नहीं उन्हें दुरुस्त किया गया? एक साल भानु बहुत लंबा समय होता है। जब और ये तो साफ हो जाता है, आपका कार्यकर्ता वहां जाता है, आपको बताता है कि वहां अगर ये खामियां हैं तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया उस पर, यानी आप सीधी सी बात रहे। और अगर आपका कार्यकर्ता ये कहता है कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा था तो वो झूठ बोल रहा था, तो उस कार्यकर्ता पर अब आप क्या एक्शन लेंगे? बिल्कुल भानु, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी की भी हमने बाइट सुनी थी, उनसे भी हमने चर्चा की थी, और उसके बाद में पूनम जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी हमने बात करी। उनसे जब हमने पूछा कि क्या वहां की विभागीय रिपोर्ट, वहां की समीक्षा रिपोर्ट मंत्री साहब तक नहीं पहुंची थी, उन्होंने कहा पहुंची होगी। सबसे बड़ी बात उनके जो शब्द प्रयोग थे, उन्होंने कहा पहुंची होगी, लेकिन मंत्री साहब तक पूरी बात पहुंचाई नहीं गई। ठीक है, हम मान गए मंत्री जी ने समीक्षा का आदेश दिया होगा आते ही कि सभी अस्पतालों को चेक करो क्या कमी है क्या नहीं है, लेकिन अगर उनके पास जो रिपोर्ट पहुंची है, मान लो पहुंची है उन्होंने उनके आदेश के बाद में, तो क्या उसे क्रॉस चेक करना मंत्री साहब के लिए जरूरी नहीं था? अगर ऐसा जरूरी नहीं है तो भानु कहीं ना कहीं इन मौतों का जिम्मेदार जितना सबसे पहले तो वहां का अस्पताल का प्रशासन है, और दूसरा सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। सरकार ये नहीं कह सकती भानु, कितना गैर जिम्मेदारा बयान है ये, कि अस्पताल में आने के बाद में उनका इलाज जारी किया गया था, लेकिन अस्पताल आने से पहले वो किस हालत में आए हैं ये भी देखना है। अरे भाई, सीधी सी बात है, घरों के अंदर कौन हॉस्पिटल बना के रखता है? अगर हर आदमी डॉक्टर हो गया, सचिन पायलट ने ये भी बहुत अच्छी बात कही कि जो जिन लोगों के बच्चे मरे हैं वो सबसे गरीब निचले गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सबसे निचले स्तर के लोग हैं। जब वे यहाँ इलाज के लिए आए हुए थे, वो सोच रहे थे सरकार से कम अच्छा इलाज मिलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बहुत अच्छा अभियान चलाया राजस्थान सरकार के एक साल पूर्ण होने पर, निरोगी राजस्थान का, लेकिन क्या अंजाम और क्या हश्र उस अभियान के शुरुआती दिनों में हमें देखने को मिल रहा है। और ये तो सिर्फ कोटा की बात है भानु, कोटा के बाद में बूंदी की भी बात सामने आ रही है, कितने जिले होंगे। बिल्कुल, और इसका ताजा उदाहरण कोटा से मिल गया है। इस तरह के ही अभियान अगर इस तरह की हादसों की भेंट चढ़ेंगे तो उन अभियानों को चलाने का कोई फायदा नहीं है। बहरहाल तो बिल्कुल सही कहा सचिन पायलट ने, लेकिन कहीं ना कहीं उमंग पायलट के इन बयानों से तो वास्तव में उमंग, लेकिन यहां एक बात और है कि क्या सचिन पायलट के इस तरह के बयानों से कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ती नजर नहीं आ रही? क्योंकि इस तरह से पहले भी बयान आ चुके हैं। लंबे समय से बात उठती है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, लेकिन हर बड़ा कांग्रेसी नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इससे मना करते हैं, लेकिन यहां पर इस गुटबाजी का नजारा देखने को मिला है। कांग्रेस दो धड़ों में है इस बात का प्रमाण मिला है, क्योंकि मुख्यमंत्री का अलग बयान आता है, चिकित्सा मंत्री मुख्यमंत्री के सुर में सुर मिलाते हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुछ कहते हैं, और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को नकार दिया है कि पिछली सरकार में जो हुआ वो हुआ, उसकी सजा उनको मिल चुकी है, अब एक साल से हमें जिम्मेदारी हमारी बनती है। उमंग, जब गोरखपुर में, मुझे याद है जब गोरखपुर में जो ऑक्सीजन की कमी से बच्चों का हादसा, जो बच्चों की मौत हुई थी, उस वक्त योगी सरकार को महज 6 महीने हुए थे जी, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि हम अभी आए हैं,
वहां की सरकार ने भी कहा था कि अभी हमने 6 महीने ही पदभार ग्रहण किया, उस वक्त भी ठीक रहा, वो उन्हीं के सर फूटा था। उस वक्त भी अस्पताल प्रशासन ने कह दिया था कि लंबे समय से हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का ये बिल है, इसको पैसा जाना है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। यहां तो एक साल हो चुकी है, एक साल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अस्पताल प्रशासन को अच्छे से पता होता है, और सिर्फ अस्पताल ही क्यों, हर विभाग को, हर जो भी विभाग है सरकार के प्रशासन को, सबको पता है हमारे क्या कमी है क्या नहीं है। अगर वो विभाग नहीं बता रहा है तो विभाग की गलती है, और विभाग ने अगर ये बता दिया है वो कमी पूरी नहीं हुई है तो ये सरकार की गलती है। बिल्कुल, अब सरकार किसी और पर ठीकरा नहीं फोड़ सकती है। सही कहा है सचिन पायलट ने कि पिछली सरकार में जो हुआ उस सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जनता ने उन्हें नकार दिया, और आपको चुना है और आपने एक साल में क्या किया, अब ये तय करने की वक्त है। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।